दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अभिनेता मोहसिन खान कार्तिक के किरदार को निभाते हुए नजर आए थे, जहां सीरियल में इन्होंने अपनी एक्टिंग और एक्सप्रेशन से दर्शकों का खूब दिल जीत लिया था, तो वहीं सीरियल में ये अपनी ऑन स्क्रीन वाइफ नायरा की हर बात मानते थे और उनकी सभी शर्तों को पूरा करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेता मोहसिन खान ने असल जिंदगी में अपनी होने वाली वाइफ शिवांगी जोशी के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं, जो कि काफी बड़ी शर्तें हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मोहसिन खान ने होने वाली बीवी के सामने क्या शर्तें रखी हैं? अगर आप भी उन शर्तों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेता मोहसिन खान जिनसे शादी करने वाले हैं, यानी कि जो इनकी बीवी बनने वाली हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इनकी को स्टार शिवांगी जोशी हैं, जो कि इनके साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करती हुई नजर आई थी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनके उन्ही शर्तों के बारे में। नंबर 1, ज्वाइंट फैमिली में रहना। अभिनेता मोहसिन खान ने शिवांगी जोशी के सामने जो पहली शर्त रखी है वो ये है कि इन्होंने शिवांगी जोशी से कहा है कि शिवांगी जोशी को शादी के बाद ज्वाइंट फैमिली में रहना पड़ेगा, क्योंकि मोहसिन खान अपनी फैमिली से बेहद प्यार करते हैं और वो अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकते। नंबर 2, दहेज नहीं लेना। मोहसिन खान ने शिवांगी जोशी के सामने जो दूसरी शर्त रखी है वो ये है कि इन्होंने साफ साफ शिवांगी से कह दिया है कि इन्हें इनके मम्मी पापा से बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि मोहसिन खान की फैमिली में आज तक किसी ने दहेज नहीं लिया है। नंबर 3, मोहसिन खान के अलावा किसी और के साथ काम नहीं करना। मोहसिन खान ने अपनी होने वाली बीवी के सामने जो शर्त रखी है वो ये है कि इन्होंने कहा कि तुम मेरे अलावा किसी भी एक्टर के साथ काम नहीं करोगी, क्योंकि मोहसिन खान को नहीं पसंद कि शिवांगी जोशी इनके अलावा किसी और एक्टर के साथ काम करे। वेल दोस्तों, मोहसिन खान ने शिवांगी जोशी के सामने शादी करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वो जायज है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।